नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। बात करते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों की। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए करवा रहे हैं अन्याय। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट का विस्तार कल, अजित पवार हो सकते हैं नंबर दो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अमिताभ बच्चन। CAA और NPR पर बोले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सकारात्मक चर्चा की है जरूरत। CBSE एग्जाम 2020 में 75% से कम हुई अटेंडेंस, तो परीक्षा से बाहर होंगे 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी। RJD सुप्रीमो लालू यादव बोले जनगणना में कुत्ता बिल्ली और सियार गिन रहे हैं तो जाति गिनने में क्या दिक्कत। इराक में अक्टूबर से अब तक सरकार विरोधी रैली में 490 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। चिली में जारी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई। तालिबान के हमले में मारे गए 10 अफगान सैनिक। मिस्र में बस हादसे में भारतीय पर्यटक समेत 6 की मौत। UAE में मशहूर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता नजर नंदी का निधन, मुश्किल में घिरे लोगों की करते थे मदद। भारत को लेकर झूठ फैला रहे इमरान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में काम कर रही मजबूत भारतीय लॉबी। शोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया पर दिए गए बयान से पलटी मारी, पाकिस्तान की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बॉक्सिंग डे मैच में न्यूजीलैंड को दी मात, टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 11 साल पहले भारत के खिलाफ डेब्यू किया था। सौरभ गांगुली ने कहा धोनी ने भविष्य की योजनाओं को लेकर कप्तान और सिलेक्टर्स से जरूर बात की होगी। डोपिंग विवाद में वाडा प्रमुख ने कहा रूस पर 4 साल के प्रतिबंध का फैसला बिल्कुल सही। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियाँ। कल फिर मुलाकात होंगी किन्हीं नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।